अर्शी के बर्थडे के लिए घर में हुई पूरी तैयारी। वेल दोस्तों, अगर हम बात करें स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो झनक के बारे में, तो झनक के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अर्शी के बर्थडे की तैयारी हो चुकी है। और वहीं पे अप्पू आती है और कहती है कि वाव, कितना प्यारा डेकोरेशन किया गया है। अप्पू अपनी फैमिली से पूछती है कि मेरे बर्थडे में इतना अच्छा सजावट क्यों नहीं करते हैं। उतने में अविनाश कहता है कि हाँ, तुम्हारे बर्थडे में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ अप्पू जो है झनक को पकड़कर डांस करने लग जाती है। दोनों में खुशी का माहौल देखने को मिलता है। तभी अविनाश की मम्मी अर्शी से कहती है कि जरूरत क्यों नहीं है, तुम हमारे होने वाली घर की बहू हो, ये सब तो हमारा कर्तव्य है तुम्हारे लिए करना। अर्शी के बर्थडे को बस 5 मिनट रह जाता है, तभी अचानक से अविनाश के फोन पे बार बार जम्मू कश्मीर से फोन आने लगता है और अविनाश साइड में जाकर बात करने लग जाता है और वहाँ पे झनक भी पहुँच जाती है। अविनाश और झनक दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी घर के सभी अन्य लोग जो है इन दोनों को बुलाने लग जाते हैं कि बस अब 3 मिनट बचे हैं, जल्दी आ जाओ, तुम लोग काफ़ी समय से बात कर रहे हो। अविनाश कहता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। इस पर अप्पू कहती है कि जल्दी आओ झनक, अभी तक तो तुम बात करने के लिए तैयार नहीं थी और अब क्या हो गया अचानक से। सबकी बातें सुनकर अविनाश जो है झनक को फोन तकड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेली बाइट्स राइट अवे।